नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अन्नदाता के यूट्यूब चैनल में। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को जरूर दबाएं। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते किसान भाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसान भाई अपनी फसल की कटाई करने में असमर्थ हैं तथा आने वाली फसल की बुआई के लिए बीज, खाद तथा कीटनाशकों की खरीद नहीं कर पा रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री तथा ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें फसल कटाई के लिए किसानों को छूट दी जाए। ये दिशा निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किए गए हैं। इनमें किसानों की फसल के उत्पादों को नज़दीकी मंडी में बेचा जा सके, इसके लिए हर संभव कोशिश की जाए, यह सुनिश्चित किया गया। कृषि उपज का राज्य एवं अंतर्राज्यीय परिवहन सुगमता से हो सके, इसके लिए ट्रकों की आवाजाही को लॉकडाउन से छूट दी जाए। अगली फसल की बुआई बाधित ना हो, इसके लिए खाद एवं बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, यह भी सुनिश्चित किया गया। इन नियमों के साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है, जिससे कि किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण ना हो सके। लॉकडाउन की स्थिति में देश में कहीं भी खाद्यान्न की कमी ना हो, इसके लिए किसान भाइयों को कृषि कार्य करने के लिए एवं कृषि से जुड़े कर्मियों को विशेष छूट प्रदान की गई है। कृषि उत्पाद से संबंधित संस्थाएं न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कार्य, कृषि उत्पाद बाजार कमेटी एवं राज्य संचालित मंडियां, उर्वरक की दुकानें, किसानों व श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्य, कृषि उपकरणों की उपलब्धता वाले केंद्र, फसल कटाई व बुआई से संबंधित कृषि व बागवानी में काम आने वाले यंत्र, उर्वरक कीटनाशक बीज का निर्माण पैकेजिंग इकाइयाँ, सभी को लॉकडाउन के दौरान आवाजाही की छूट। कृषि मशीनरी व कलपुर्जों की दुकानें लॉकडाउन में खोली जा सकेंगी। संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को भी इस छूट में शामिल किया गया है। ई नाम के जरिए फसल बिक्री एवं कृषि सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। अल्पकालिक फसली ऋण जो 1 मार्च से 31 मई 2020 तक के बीच देय हैं या देय होंगे, उनके लिए पुनर्भुगतान की अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ा दी गई है, जिससे कि किसान भाई 4% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से अपना ऋण दे सकेंगे। कृषि के क्षेत्र में आई किसी भी नई तकनीक के बारे में जानने के लिए तथा कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए अन्नदाता। किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।